फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जाम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द फोर पॉइंट्स: इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन and Bohr's effect. Introduction. Oxygen is transported in two ways. जितना भी ऑक्सीजन हम इंस्पायर करते हैं उनमें से अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन RBCs. While as remaining 3% of oxygen is carried out as dissolved oxygen in plasma. While as blood acts as a medium to transport the oxygen. Basics of hemoglobin. Hemoglobin is red colored pigment. It is present inside the RBCs. Hemoglobin consists of two parts: the protein part, which is known as globin, and the pigment part, which is known as the heme. Heme contains four atoms of iron. This iron is in ferrous form, that is Fe2+. One molecule of hemoglobin can bind with four oxygen molecules. Hemoglobin का एक molecule चार oxygen molecules को bind कर सकता है because one hemoglobin molecule contains four iron atoms. Hemoglobin reacts with oxygen in reversible manner to form oxyhemoglobin. See this diagram. It is of the hemoglobin. इस डायग्राम में हमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिखाई दे रही हैं, दो अल्फा चेन्स हैं और दो बीटा चेन्स हैं, और आयरन के चार एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। सी दिस रिएक्शन, हीमोग्लोबिन कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड दिस एरोज दे इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissues. 100 ml oxygenated blood tissues की तरफ लगभग 5 ml oxygen deliver करता है, conduct करता है। Factors affecting binding the hemoglobin with ऑक्सीजन, कौन से फैक्टर्स हैं जो HB को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने पर अफेक्ट करते हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2। जितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा उतना HB का बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ फास्ट होगा। सेकंड फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जितना भी पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होगा उतना HB का बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ फास्ट होगा। थर्ड फैक्टर इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, वी मे कॉल इट द pH। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन
जितना कम रहेगा उतना HB का बाइंडिंग फास्ट होगा ऑक्सीजन के साथ। एंड द लास्ट इज द टेम्परेचर। लो टेम्परेचर फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इट इज द ग्राफ प्लॉटेड परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ HB विथ O2 अगेंस्ट PO2। मीन्स एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 है और वाई एक्सिस पे है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB विथ O2। ये जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसे कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इट इज़ ए सिग्मोइड कर्व, मीन्स इट इज स्लाइटली एस शेप्ड। इट इज यूज्ड टू स्टडी बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स लाइक PO2, PCO2, pH एंड टेम्परेचर। अभी हमने जो फैक्टर्स देखे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बाइंडिंग HB विथ हीमोग्लोबिन, वही फैक्टर्स हैं ये। इनका स्टडी करने के लिए ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हमें यूजफुल रहता है। सी दिस कर्व केयरफुली। एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमने इंडिकेट किया है, वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हमने इंडिकेट किया है, और ये जो कर्व है ये सिग्मोइड शेप में हमें दिखाई दे रहा है। जब सैचुरेशन 100% हो गया उसके बाद ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसे हम सिग्मोइड और एस कर्व कहते हैं। इन एल्वियोलाई देर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ड्यू टू द इंस्पायरेशन ऑफ एयर एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगेन देर इज लो H+ आयन कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर। एल्वियोलाई में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। इसकी वजह से क्या होता है, HB बाइंड्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। ऑल दीज सिचुएशंस दे आर फेवरेबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ HB विथ ऑक्सीजन। एट PO2 95 mm ऑफ HG देर इज अबाउट 97% ऑफ सैचुरेशन ऑफ HB विथ O2। यानी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होगा तब 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा। ऑन द अदर हैंड इन टिश्यूज में क्या कंडीशंस हैं, देर इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बट देर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ है, इसलिए टिश्यूज में PCO2 इज हाई। अगेन देर इज हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो देर इज हाई टेम्परेचर। एंड ऑल दीज कंडीशंस दे आर फेवरेबल टू डिसोसिएट हीमोग्लोबिन फ्रॉम ऑक्सीजन। इन सब कंडीशंस की वजह से HB से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। एंड दिस डिसोसिएटेड ऑक्सीजन इट इज़ टेकन बाय द टिश्यूज
ये ऑक्सीजन टिश्यूज अपने एनर्जी जनरेट करने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए यूज करती हैं। कॉन्क्लूजन क्या है इसका? O2 गेट्स बाउंड विथ हीमोग्लोबिन एट लंग सरफेस। डायग्राम में आप देख सकते हैं, लंग में हमें डायग्राम में लंग्स दिखाई दे रहे हैं, वो ब्लू डॉट्स जो है वो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन RBC में डिफ्यूज़ होता है और बाद में ये ऑक्सीजन ऑर्गन्स की तरफ, टिश्यू की तरफ रिलीज़ किया जाता है, डिसोसिएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बोहर्स इफेक्ट। टू अंडरस्टैंड द बोहर्स इफेक्ट वी मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ P50 वैल्यू। वॉट इज दिस P50 वैल्यू? P50 इज द वैल्यू ऑफ PO2। ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। जब 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सैचुरेट करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, तब जो पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का, उसे कहते हैं P50 वैल्यू। इस ग्राफ को देखिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जो ग्राफ हमने देखा उसी तरह का एक ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस पे हमने लिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB विथ O2। दिस लाइन शोज द 50% सैचुरेशन। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है ये 50% सैचुरेशन की लाइन है। दिस इज द फर्स्ट कर्व, दिस इज सेकंड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड दिस इज द थर्ड कर्व। अब ये तीन कर्व हमने क्यों दिखाए यहाँ पे? दिस येलो लाइन, इट इज़ द कर्व व्हेन देयर इज लेस PCO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, और ये पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है इसलिए देयर इज हाई pH। दिस रेड कर्व, इट इज द कर्व व्हेन देयर इज हाई PCO2। जब CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है और pH लो है, मींस देयर इज एसिडिक कंडीशन, तो ये रेड लाइन ये कर्व दिखा रही है, और दोनों के बीच में जो ब्लू लाइन है वो है स्टैंडर्ड और नॉर्मल कर्व। अब हम देखेंगे, दिस इज द नॉर्मल P50 वैल्यू, इट इज़ अबाउट 30 mm ऑफ HG। दिस इज अनदर P50 वैल्यू ऑफ दिस येलो कर्व व्हेन देयर इज लेस PCO2। जब PCO2 कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, तब P50 वैल्यू डिक्रीज हो गई है। अब देखेंगे इस रेड कर्व में, यह उसकी P50 वैल्यू, जब देयर इज हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देन द P50 वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो इस डायग्राम में हमें ये सोचना है कि
50% सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ होने के लिए जो पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड हैं ऑक्सीजन का, वो तीनों कर्व में अलग अलग हैं। कम किस में है? जब पार्शियल प्रेशर CO2 का भी कम है। और ज़्यादा किस में है? जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है। मीन्स ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 द कर्व इज शिफ्टेड टू राइट, व्हाइल एज व्हेन देयर इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देन द कर्व इज शिफ्टेड टू लेफ्ट। यही हम थियोरेटिकल पॉइंट्स में देखेंगे। एट हायर PCO2 एंड फॉल इन pH, कर्व इज शिफ्टेड टू राइट, दिस इंक्रीजेज द P50 वैल्यू, व्हाइल एज एट लोअर PCO2 एंड इंक्रीज इन pH, द कर्व इज शिफ्टेड टू लेफ्ट, दिस डिक्रीजेज द P50 वैल्यू। मीन्स मोर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू सेचुरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करना, और मेरे YouTube चैनल द साइंस ऑफ लाइफ को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।